जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। यह दिन माँ भुवनेश्वरी देवी को समर्पित है। आज मैं आपको माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा सुनाऊंगी। इसीलिए हर गर्भवती ध्यान देकर एकाग्रता के साथ यह कथा अवश्य सुने। शिशु में आध्यात्मिकता के गुण आएंगे और माँ आपके शिशु की सदैव रक्षा करेगी। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम रूप है। इसी रूप में माँ देवी ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भुवनेश्वरी देवी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। इसे हम जगत धात्री भी कहते हैं। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के समय लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, फल आदि से करनी चाहिए। ये अब हम सुनते हैं माता भुवनेश्वरी देवी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना का प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी देवी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था। उन्होंने लाल कमल की माला भी पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था। दाहिने हाथ में वो अभय और वरदा मुद्रा में दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण की थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फर से लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गदी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा स्थापित है। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी,
कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। देव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्म की इच्छा शक्ति के द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी देवी ने त्रयंबके तीन स्वरूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबके ही तीन रूप है। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्म के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी, रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगह पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंच तत्व स्वरूप में आया। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना कर सके। इस तरह माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा प्रचलित है। आइए अब हम माता भुवनेश्वरी देवी का मंत्र सुनते हैं। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्ये नमः। इस मंत्र को जितनी बार हो सके इतनी बार सुनी या जाप करें। यदि आप 108 बार जाप करती है तो यह सबसे उत्तम होगा। मेरे साथ बोले माँ भुवनेश्वरी देवी की जय हो। धन्यवाद।